और कोरोना की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आपको ग्राउंड लेवल पे कोरोना का हाल दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी गांड फाड़ने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पे आइए, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी लग रही है। यहाँ पे आइए, दूल्हा है। क्या नाम है सर आपका? रोशन राज सर, मेरा नाम जी। रोशन जी, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कोरोना का भी समय चल रहा है, इसमें क्या चुल मची थी आपकी शादी के लिए? कोरोना वोना कुछ है नहीं, शादी तो करना ही है, बहुत पैसा मेरा खर्च हो चुका है शादी में। तो इस कोरोना काल में भी शादी करिएगा? जी जरूर करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको शादी करने के। तो थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा आपसे हम बात करते हैं, मंच पे आइए। मेकअप तो इतना किया लग रहा है भरतनाट्यम करने जा रहा है। तो जैसा कि अभी चल रहा है, शादी का समय चल रहा है, लेकिन सरकार ने कई गाइडलाइन कोरोना पे लेके जारी किया है कि जैसे कुछ, तो उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। तो गाइडलाइन में भी है कि एक बार में करीब 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। तो आप बारात जा रहे हैं लेके, तो कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? कम से कम 150-200 तो जाएगा ना सर। तो अगर 150-100 लोगों का गाइडलाइन, आप 150-200 लेके जा रहे हैं और किसी को कोरोना हो जाता है, कोरोना फैल जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोरोना ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चुतिया बनाने का काम हो रहा है, और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। माइक धरो। आपने तो लाड़ चटेगा, 150-200 के और लाड़ चटा देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ढाका न्यूज यहाँ पे सड़क पर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ जितनी से जितनी हो कम हो। तो बने रहिए आप ढाका न्यूज के साथ।